नमस्कार, नारद टीवी पर आप सबका स्वागत है। सुनील लहरी एक ऐसे अभिनेता जिन्हें पूरा हिंदुस्तान या यूं कह ले कि पूरी दुनिया एक अभिनेता से ज्यादा लक्ष्मण के तौर पर जानती है। आज भी हम जब ये कल्पना करते हैं कि रामायण के लक्ष्मण कैसे रहे होंगे, तो ऐसे में सुनील जी का चेहरा ही सामने आता है। और ऐसा रामानंद सागर जी द्वारा निर्मित रामायण के सभी कलाकारों के साथ हुआ। और मैं आपको एक ब्राह्मण समझकर आपके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता। हमारे कुल में ब्राह्मणों का वध नहीं किया जाता, उनकी रक्षा की जाती है। चित्रकूट तक आ गया है। मुझे वन में भील और कौलमित्रों ने आकर कहा, अयोध्या का राजा भरत अपनी चतुरंगी सेना के साथ चित्रकूट आ रहा है। मैंने स्वयं पेड़ पर चढ़कर देखा तो मुझे सच सेना दिखाई दी। गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति से मैंने यहाँ एक अदृश्य दीवार बना दी है। कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर आने का साहस करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए माता, मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल मत भैया को रुलारे, बोल कछु बोल। तकनीकी कहां से कहां पहुंच गई। टीवी पर इसके बाद भी न जाने कितने रामायण बने, पर उस तरह की प्रसिद्धि और किसी को न मिल पाई। नारद टीवी की ये हमेशा से कोशिश रही है कि हम आप सबको रामायण के कलाकारों के जीवन से बहुत ही नजदीकी से रूबरू करा सके। इसी क्रम में हमने मुलाकात की सुनील लहरी जी से। सुनील जी ने अपने कीमती समय के कुछ पल नारद टीवी को दिए और अपने जीवन और रामायण की शूटिंग के दौरान के कुछ दिलचस्प किस्से साझा किए, जिसे आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुना होगा। आइए इस इंटरव्यू का पहला पार्ट देखते हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नारद टीवी का। धन्यवाद। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ दर्शकों से साझा करें, जैसे कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, पढ़ाई लिखाई कैसे हुई और आपका पारिवारिक माहौल कैसा रहा। मेरा जो आप कह सकते हैं कि जन्म जो स्थान है वो मध्य प्रदेश में एक जगह है दमोह जी, वहाँ हुआ था। और मेरा जो स्कूलिंग है या मुझे कह सकते हैं कि जो बचपन है वो मेरा भोपाल में बीता जी, क्योंकि मेरे माता पिता जो हैं वो भोपाल में हैं और मेरे पिताजी का प्रोफेशन जो है वो मेडिकल डॉक्टर हैं जी, और उन्होंने भोपाल मेडिकल कॉलेज में वो प्रोफेसर भी रहे हैं और वहाँ पे अटैच भी रहे हैं उस हॉस्पिटल के साथ में। तो सारा जो स्कूलिंग मेरी जो है पूरी भोपाल में हुई है। बाकी स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद मैं कॉलेज बॉम्बे पढ़ने आया यहाँ पर, और यहाँ पे एक कॉलेज है विल्सन कॉलेज जो मैरिन ड्राइव पे है, वहाँ पे मेरी पढ़ाई हो रही थी। और उस समय जब मैं पढ़ता था तो कॉलेज मेरा जो टाइमिंग था उसका सवेरे 7 बजे से 12 बजे होता था। तो जब 7 से 12 होने के बाद मेरे पास बहुत सारा टाइम था, कुछ करने को नहीं था। तो फिर मैं धीरे धीरे कॉलेज के जो प्लेज हैं उनमें एक्टिव होने लगा, क्योंकि मैं बचपन से काफ़ी प्लेज वगैरह मैं करता भी रहा, भोपाल में भी करता रहा हूँ, और यहाँ एक्टिव होने लगा। फिर मैं एक कांटेक्ट में आया भीमसेन खुराना जो आपके लखनऊ के ही हैं वैसे जी, उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है घरोंदा दूरियां, अगर आपने नाम सुना हो जी, जी। तो उनके कांटेक्ट में आया और वो एनिमेशन करते थे और मेरे ख्याल से शायद हिंदुस्तान में आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द फाइनेस्ट एनिमेटर के नाम से वो जाने जाते हैं, उस हिसाब से जाने जाते हैं वो। तो उनके कांटेक्ट में आया और एनिमेशन में मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट भी ज़्यादा उस समय, तो मैं उनके पास चला जाता था जो मेरे कॉलेज के नज़दीक ही था उनका ऑफिस, तो वहाँ जाता था, वहाँ एनिमेशन देखता था। देखते देखते उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुम्हारी शक्ल सूरत ठीक है, पर्सनैलिटी ठीक है, तो एक्टिंग में की तरफ थोड़ा ध्यान क्यों नहीं देते हो और प्ले वे भी कर रहे हो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। फिर उन्होंने मुझे ना एक ग्रुप था जो नसीर साहब ने, ओमपुरी साहब ने बनाया था मजमा के नाम से, उसको ज्वाइन करवाया उन्होंने। मैंने वो ज्वाइन करा और वहाँ पे कुछ एक दो प्ले वगैरह भी किए मैंने उस ग्रुप में। और उसी दिनों उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात हुई ख्वाजा अहमद अब्बास साहब से, जो जिन्होंने अमिताभ बच्चन साहब को इंट्रोड्यूस किया था फिल्मों में साथ हिंदुस्तानी में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मैं तुम्हें अपनी फिल्म के लिए कंसिडर करना चाहता हूँ, और उन्होंने मुझे अपनी फिल्म नेक्स्ट लाइट के लिए कंसिडर किया, जो
मैंने स्मिता पाटिल जी के साथ में की थी। अच्छा। वो मेरी फिल्म थी, मेरे अपोजिट स्मिता जी थी उसमें। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया काम करके, बहुत कुछ सीखा। इतने लर्नेड आदमी हैं थे ख्वाजा मदाब साहब, स्मिता जी थी, मिठुन थे साथ में उसमें, काफ़ी अच्छे एक्टर्स थे। तो वो एक ट्रेनिंग जो है बिगनिंग की बड़ी अच्छी रही मेरी। फिर उसके बाद में मेरी मुलाकात आबा साहब के थ्रू ऋषिकेश मुखर्जी साहब से हुई। उनके साथ भी काफ़ी मेरे को संपर्क रहा उनके साथ काम करने के लिए। फिर धीरे धीरे करते करते फिर मैं दूसरे सीरीज में, टेलीविज़न शुरू हो रहा था तो टेलीविज़न में आने लगा। फिर फिल्में की मैंने, एक दो और फिल्में की मैंने। फिर एक और बड़े अच्छे और बड़े सुलझे हुए डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं जो जिनका अपना गुरुदत्त साहब जी, उनके भाई थे देवीदत्त जी। तो देवीदत्त जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। उनकी एक फिल्म कर रहा था पर अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से वो फिल्म नहीं कंप्लीट हो पाई। फिर उन्होंने एक सीरियल बनाया था अपने पराये के नाम से, वो सीरियल किया मैंने। और उसके बाद में फिर उन दिनों ही मेरी मुलाकात हुई बेबी नास के नाम से एक्ट्रेस थी उनसे। वो मेरी माँ का प्ले, एक प्ले कर रहे थे हम लोग जिसमें दूरदर्शन के लिए, उसमें वो मेरी माँ का रोल कर रही थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार मैं ठीक काम कर लेते हो, अच्छा पर्सनालिटी है, तुम इंडस्ट्री में लोगों से क्यों नहीं मिलते हो ज़्यादा। तो मैंने कहा मैं ज़्यादा जानता नहीं किसी को। तो उन्होंने फिर मुझे सागर से इंट्रोड्यूस कराया। तो सागर के यहाँ गया तो मैं प्रेम जी से मिला। प्रेम जी से मिलने के बाद में मेरी जो पहला जो सागर कैंप में मेरी एंट्री हुई वो विक्रम विताल से हुई। विक्रम विताल मैंने किया और विक्रम विताल का काम देख के फिर मोती जी ने मुझे दादा दादी की कहानी में भी काम दिया। दोनों में काम कर रहा था तो फिर मुझे प्रेम जी ने कहा कि भाई हम रामायण बनाने वाले हैं, उसका ऑडिशन करो। तो फिर मैंने उसका ऑडिशन दिया और उस तरह ऑडिशन करके फिर बहुत से लोग थे मेरे साथ में, करीब करीब होंगे टोटल ऑडिशन करने के टाइम पे, मुझे ये नहीं मालूम कि लक्ष्मण का कैरेक्टर, पर ओवरऑल जो थे ऑडिशन के लिए करीब करीब 100-150 लोग होंगे। तो उसमें मुझे भी ऑडिशन करवाया। ऑडिशन करवाने के बाद में फिर उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया कि भाई तुम सिलेक्टेड हो। और बाद में मुझे पता लगा कि मेरा सिलेक्शन जो हुआ वो लक्ष्मण के लिए नहीं हुआ था, शत्रुघ्न के लिए हुआ था। आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी कि मैंने कहा यार पर चलो, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि रामायण का नॉलेज तो थोड़ा बहुत था। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है कैंप में काम करूंगा तो और मेरा काम देखेंगे, मेरा अच्छा लगेगा उन्हें तो फिर और काम मिलेगा उस हिसाब से, तो सोच के मैंने कर लिया। पर कहते हैं ना कि किस्मत जो आपकी चलती है या आपको मतलब कहीं मुकाम तक पहुंचाना होता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती है। तो जो शशिपुरी साहब हैं जो लक्ष्मण का रोल कर रहे थे हैं, वो किसी वजह से नहीं कर पा करना चाह रहे थे वो रोल को, तो उन्होंने मना कर दिया उस रोल को करने के लिए। तब सागर साहब ने मुझसे अप्रोच की कि भाई तुम लक्ष्मण में, मैं तुमको शिफ्ट करना चाहता हूँ। पहले तो मैंने उनको कहा कि मुझे सोचने का मौका दीजिए। फिर मैंने शशिपुरी से बात की क्योंकि मेरे दोस्त था और दोस्त के साथ में मैं ऐसा नहीं करना चाहता था जब तक उससे कन्फर्मेशन नहीं हो मेरे को कि क्यों क्या वजह है एंड ऑल दैट। तो उसने खुद कहा कि मैं खुद नहीं करना चाहता हूँ ये रोल, तो अगर तुमको करना हो तो करो और तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा। तो क्या उसने मुझे सजेशन दिया कि भाई मैं चाहता हूँ कि तुम कर लो अगर तुम्हारी इच्छा है करने की। तो फिर मैंने सागर साहब को कहा कि ठीक है मैं करूँगा।